हेलो एवरीवन, आज मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस बताई थी जिसमें कुछ टेक्निकल इशू हो गया था कि बीच में से वो कट हो गया था, वीडियो बंद हो गया था, तो मैं ये केवल दो ही बता पाया था आपको। एक तो बताया था होमोमॉर्फिज्म के बारे में और उसके बाद बताया था मैंने एंडोमॉर्फिज्म के बारे में। ठीक है, मैं वापस से एक बार रिकॉल कर देता हूँ क्या बताया था इसके बारे में। देखो, समाकर्ता क्या थे, यदि कोई फंक्शन है जो जी से जी डैश में है, यदि वो फंक्शन कुछ ऐसा बिहेव करे कि एफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ए ओ एफ बी, यदि फंक्शन कुछ ऐसा बिहेव करता है तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो क्या है, समाकर्ता है। ठीक है, तो समाकर्ता से पहले आपको पता होना चाहिए कि समूह हम लेते हैं दो अलग अलग, एक तो लेते हैं जी कॉमा स्टार और एक लेते हैं जी डैश ओ। ठीक है, ये मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था आप लोगों को, तो आपने वहाँ देखा होगा, समझा होगा कि यदि कोई फंक्शन ऐसा मिल जाए जी से जी डैश में, प्रांत क्या होगा उसका, जी, और सहप्रांत क्या होगा उसका, जी डैश। तो ऐसा कोई फंक्शन मिल जाए जो जी से जी डैश में हो, ठीक है ना, और ऐसा बिहेव रखता हो कि हम जी के कोई दो एलिमेंट लें, उनको ऑपरेट कराएं, उसकी एफ इमेज लें, तो जो वैल्यू आए वो उन दोनों एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज को आपस में ऑपरेट करके वैल्यू आए, वो उसके इक्वल होगी। ठीक है ना, जैसे ए तथा बी हमने दो एलिमेंट लिए थे, इसकी इमेज होगी एफ ए, ए वाले की, और बी की कितनी होगी, एफ बी। तो इन दोनों का जो संक्रिया लगाने के बाद जो भी एलिमेंट बनेगा वो इसके इक्वल होना चाहिए, ये समझाया था मैंने पहले। ठीक है ना, अब इसी में यदि फंक्शन जो है वो जी से जी डैश की जगह जी से जी में हो जाए, मतलब प्रांत भी वही हो सहप्रांत भी वही हो, तो उस सिचुएशन में जो होमोमॉर्फिज्म होगी वो बनेगी एंडोमॉर्फिज्म। यस, सबके समझ में आ गया, जो होमोमॉर्फिज्म है वो क्या बनेगी, एंडोमॉर्फिज्म। तो केवल आपको क्या करना है कि प्रांत तथा सहप्रांत, डोमेन और कोडोमेन को आपस में इक्वल करना है, बाकी सेम प्रॉपर्टी रहेगी ये वाली। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको बताने वाला हूँ मोनोमॉर्फिज्म, एक एक ही समागरता। नाम से स्पष्ट है कि फंक्शन कैसा हो, एक एक ही हो, भाई नाम में क्या है, एक एक ही लगा है ना। ठीक है ना, तो मोनोमॉर्फिज्म ऐसी समागरता, ऐसे होमोमॉर्फिज्म जो एक एक ही हो, वन वन हो। ठीक है ना, और वन वन ये जो एक एक ही फलन है हमने पहले भी देखा है, कई दफा देखा है ये फंक्शन जो होता है एक एक ही, तो इसमें क्या होता है कि इसमें यही आपको बता दूं कि फंक्शन क्या हो, वन वन हो। ठीक है ना, यदि जी से जी डैश में कोई फंक्शन हो वो कैसा हो, वन वन हो। डेट इज यदि हम दो इमेज इक्वल लेके चले, यदि हम दो इमेज इक्वल लेके चले और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ठीक है ना, दो इमेज इक्वल लेके चले और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो उस सिचुएशन में जो फंक्शन होता है वो क्या कहलाता है, वन वन कहलाता है। क्या कहलाता है, वन वन कहलाता है। तो यदि ये फंक्शन जो कि समाकर्ता था पहले से ही, वो यदि फंक्शन वन वन हो जाए तो इट विल बिकम मोनोमॉर्फिज्म। क्या बनेगा ये, मोनोमॉर्फिज्म। ठीक है, इसके बाद यदि इस फंक्शन में ये प्रॉपर्टी हो कि ये फंक्शन हो जाए ऑन टू, क्या हो जाए, ये फंक्शन ऑन टू हो जाए। ऑन टू क्या होता है, ये भी हम जानते हैं कि जो रेंज सेट है वो कोडोमेन के इक्वल होता है, जो रेंज सेट है वो कोडोमेन के इक्वल होता है। तो यदि ऐसा हो जाए तो फंक्शन जब ऑन टू हो जाए, होमोमॉर्फिज्म भी हो, तो क्या बनता है वो, ये बनता है ईपीमॉर्फिज्म। क्या बनता है, आच्छादक समाकर्ता। नाम से स्पष्ट है, क्या बनता है, आच्छादक समाकर्ता। सबके समझ में आ गया, आच्छादक समाकर्ता। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगली डेफिनेशन है तुल्यकर्ता। कौन सी है, तुल्यकर्ता। अच्छा, इससे पहले अभी मैंने बताया था आपको आच्छादक समाकर्ता के बारे में, तो इसकी क्या डेफिनेशन है, ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या होता है, इन मैथमेटिकल फॉर्म एफ ऑफ जी, मतलब जो रेंज सेट है, सेट ऑफ ऑल इमेजेस है ना, जो रेंज सेट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद है आइसोमॉर्फिज्म, तुल्यकर्ता। इसमें क्या होता है कि पहले तो वो क्या हो, होमोमॉर्फिज्म हो,
इन सभी डेफिनेशंस में एक चीज़ कॉमन है, क्या है? होमोमॉर्फिज्म, इतना तो होना ही चाहिए। इसके अलावा यदि फंक्शन वन वन हो, ऑन टू हो, एक एक ही हो, आच्छादक हो, तो वो बन जाता है आइसोमॉर्फिज्म। और ये बहुत आवश्यक है इसको समझना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस पर जो डिपेंडेंट जो थ्योरम्स हैं वो भी आती हैं, कई क्वेश्चंस भी आते हैं नेट में, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं इस पर डिपेंडेंट, ठीक है ना। तो क्या है, यदि कोई फंक्शन जो जी से जी डैश में है, ये क्या है? होमोमॉर्फिज्म है, जैसा कि पहले बताया मैंने आपको, ठीक है। ये फंक्शन वन वन है, ये फंक्शन ऑन टू है। यदि ये तीनों प्रॉपर्टीज लगाता है, ये फंक्शन रखता है अपने साथ में, तो ये क्या बनेगा? आइसोमॉर्फिज्म बनेगा। क्या बनेगा? आइसोमॉर्फिज्म बनेगा। इसके बाद अगला है ऑटोमॉर्फिज्म। क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म, स्वकारिता। ये क्या होता है कि आइसोमॉर्फिज्म जो बनाया था हमने अभी, उसी आइसोमॉर्फिज्म में जो फंक्शन हम लेके चल रहे हैं, यदि ये दोनों प्रांत तथा सहप्रांत, डोमेन एंड कोडोमेन, ये दोनों आपस में क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं, आइडेंटिकल हो जाएं। मतलब यदि फंक्शन जी से किस में हो, जी में ही रहे, जी से जी में ही रहे, बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो आइसोमॉर्फिज्म में थी वो भी इसमें रहे, मतलब ये होमोमॉर्फिज्म हो जाए, ये ऑन टू हो जाए, ये वन वन हो जाए, तो ऐसा जो फंक्शन होगा या ऐसी जो समाकर्ता होगी वो क्या कहलाएगी? स्वकर्ता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्वकर्ता कहलाएगी, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशंस आपके दे रखी हैं सिलेबस में, इस टॉपिक में। मैं वापस से बताता हूँ, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये वाली प्रॉपर्टी होती है, जब कोई फंक्शन होता है जी से जी डैश में, यहाँ जी तथा जी डैश, ये क्या है? ये समूह है अलग अलग। एक बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने बताई थी समूह की, उसमें क्या होता है, एक बीजीय निकाय, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है, जिसमें समरत नियम होता है, सहचर नियम होता है, तत्समक अवयव होता है, और इनवर्स एलिमेंट प्रतिलोम अवयव होता है, ठीक है ना। हो सकता है वो आवेली भी हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, नो डाउट। तो वो यदि प्रॉपर्टी लगती है तो समूह बनता है, तो हमको समूह लेके चलने हैं, दो अलग अलग समूह लेके चलने हैं। फिर उस सेट के लिए, जो सेट हम समूह में लेते हैं, उनमें एक फंक्शन डिफाइन करना है किसी एक समूह के सेट से दूसरे समूह में, ठीक है, जी से जी डैश में। ये सभी में कॉमन है, आप देख सकते हो सब में हमने फंक्शन लिया है। अब एंडोमॉर्फिज्म में, अंतर्कर्ता में तथा स्वकर्ता में, मतलब ऑटोमॉर्फिज्म में, इसमें दोनों क्या हो जाते हैं? आपस में इक्वल हो जाते हैं। दोनों क्या हो जाते हैं? आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि दोनों, इन दोनों में इक्वल हो जाएंगे, बाकी सब में हम अलग अलग लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा होमोमॉर्फिज्म, एक एक ही हो गया मोनोमॉर्फिज्म, ऑन टू हो गया ईपीमॉर्फिज्म, तीनों हो गए मतलब होमोमॉर्फिज्म हो गया, वन वन हो गया, ऑन टू हो गया, तो क्या बनेगा? आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। और यदि आइसोमॉर्फिज्म में प्रांत तथा सहप्रांत इक्वल हो जाए तो क्या बनेगा? ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। सबके समझ में आ गया। तो ये वीडियो वैसे तो मैं उसी में ही बता देता, बट किसी टेक्निकल इशू की वजह से वो वीडियो कट हो गई थी, तो वो बता नहीं पाए थे, ठीक है। इस जो डेफिनेशंस हैं, इसको वापस से देखें, समझें, इस वीडियो को देखें वापस से, और कोई प्रॉब्लम, मेरी कोई डाउट अगर आपको इस वीडियो में आता है किसी भी जगह, तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि किस जगह आपको प्रॉब्लम है, मैं वापस से इसको अलग तरीके से समझाऊंगा। और यदि आपको कुछ अलग टॉपिक्स पढ़ने हो एलजेब्रा के, मॉडर्न एलजेब्रा के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको बीएससी फिजिक्स या मैथमेटिक्स में किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई टॉपिक चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन का जो प्रेस बटन है उसको प्रेस करें, जिससे कि जो आने वाली वीडियो है वो आपके पास नोटिफिकेशन के फॉर्म में आए, ठीक है। थैंक यू सो मच।